हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं सब? हम उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो हमारा ब्लॉग है स्टार्ट हो रहा है, दोपहर का 3 बजा है, तो 3 बजे से ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम कर रहे हैं शाम के खाने की तैयारी। तो गाइस ऐसा हुआ कि 2 दिन से घर पे लाइट बिल्कुल नहीं है। सुबह 10 बजे चली जाती है और शाम को 8 बजे लाइट आती है, 8-9 बजे। तो बहुत ही परेशान हो रहे हैं गर्मी में। तो मैंने सोचा लाइट के बिना कुछ काम वाम दिखता नहीं है, तो चलो अपना खाने की तैयारी टाइम से कर लेते हैं। और लाइट है नहीं तो जल्दी से बना बनू के अपना खाना पीना, अपना छत पे बैठ जाते हैं, वहाँ हवा चलती है। वैसे मच्छर तो बहुत ज़्यादा खाते हैं। और मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। तो करेले की सब्ज़ी में टाइम तो लगता ही है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने नमक डाल के करेले को उबालने रख दिया है, गैस पे चढ़ा दिया है। और फिर मैं यहाँ बैठ के आराम से, इधर बच्चे ना बाहर वाले कमरा का एक ही पंखा हमने चला रखा है क्योंकि इन्वेटर फिर बीत जाएगा, और इधर बच्चे टीवी भी देख रहे हैं और बस एक ही हमने पंखा चला के सारे उसमें ही बैठ गए हैं। और मैं यहाँ बाहर दरवाजे पे बैठ के अपना प्याज कट कर रही हूँ। इसमें थोड़ा ज़्यादा ही प्याज डालना पड़ता है और नवरात्रि समाप्त हो गए हैं तो चलो प्याज। और मैंने आमी मंगाई थी जो कच्ची आमी होती है करेले में डालने को, तो वो निकली हैं बिल्कुल पकी, एकदम पीली। और यहाँ पे ना मैं दूसरी सब्ज़ी और मुझे बनानी है, करेले की सब्ज़ी सूखी सूखी हो जाएगी तो उससे एक सब्ज़ी कम से कम दो सब्ज़ी चाहिए, तो उसमें थोड़ी एक तरी वाली सब्ज़ी मुझे बनानी है, बेसन की सब्ज़ी मैं बना दूँगी। तो ऐसा है कि चावल वगैरह रखे हुए हैं, थोड़े चावल सुबह में बने थे तो, और ये मैं सामान चेक कर रही हूँ जो स्टोर करके रखते हैं ना, तो मुझे निकालना है या मैं यहाँ से बेसन निकाल लूँगी और एक बूंदी का जो पैकेट है वो, क्योंकि गर्मियों में रायता वगैरह ज़्यादा बनता है तो वही मैं निकाल रही हूँ। तो ये 2 चीज़ मैंने ज़रूरत थी वो मैंने निकाल ली हैं, बाकी डिब्बा बंद करके रख देती हूँ। और गाइस लाइट नहीं है ना तो अंधेरा अंधेरा हो रहा था रसोई में भी। और अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और ये मेरे उबल के, तो मैंने अच्छे से पानी को निचोड़ा है, खूब कैड़े हाथ से निचोड़ के और रखा है। और तेल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। और मेरी तरह आप करेले बनाओगे तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और फटाफट से बन जाएंगे, टाइम भी नहीं लगेगा। तो मेरा तेल अच्छे से गर्म हुआ, फिर मैंने हरी मिर्च और प्याज जो कट करके रखी थी वो डाल दी है। और जब तक हमारी प्याज जो अच्छे से ये गुलाबी नहीं हो जाएंगी तो तब तक नहीं डालेंगे। अब अच्छे से लाल हो गई थी तो फिर जो सारे मसाले होते हैं वो ही ऐड कर दिया है। और सौंफ तो करेले में ज़रूर डलती है तो सौंफ भी मैंने ऐड कर दी है। तो अंधेरे की वजह से थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो क्या करें, मजबूरी है, लाइट नहीं है तो एक ही बल्ब जल रहा है रसोई में, वो इतनी तेज़ लाइट नहीं देता है। तो मैंने करेले को डाल दिया, अच्छे से मिक्स करके ढक के रख दिया है। और ये विधि कर रही है अपना टाइम पास क्योंकि लाइट है नहीं तो बस ऐसे ही बच्चे। और यहाँ पे ढक के रखे थे तो एक बार और मैं पलट देती हूँ सब्ज़ी को, पलट पलट करके अच्छे से। वैसे देखने में खूब टेस्टी बनी है, हमेशा मैं करेले ऐसे ही बनाती हूँ। तो देखिए गाइस खूब अच्छे से स्टोर करके हम 2-3 दिन किसी भी सब्ज़ी के साथ ले सकते हैं। जैसे हम कोई डेली सब्ज़ी बनाते हैं, थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी इसमें से हम ले सकते हैं और बच्चों के लंच वगैरह में बहुत ही बेस्ट रहती है क्योंकि सूखी सब्ज़ी है तो 2-3 दिन तक पानी वगैरह तो डलता नहीं है, तो खाली तेल में हमने बनाई है। तो खूब अच्छे से मेरे करेले की सब्ज़ी बनी है और ये दूसरी सब्ज़ी की मैंने फटाफट तैयारी कर ली है। तो ये सब्ज़ी मैं बेसन वाली बनाऊंगी क्योंकि बेसन को मैंने अच्छे से गूंद के थोड़ा कैड़ा कैड़ा और फिर उसको ऐसे बना लिया गोल गोल। फिर विधि यहाँ पे वही बेसन का अपना लेके थोड़ा सा आटा और वो टाइम पास कर रही है देखो। तो अब बस पहले इनको फ्राई करते हैं हम,
तो फ्राई मैंने कर लिया है और अब मसाले भून लेती हूँ तो फिर उसमें ऐड कर दूँगी। तो थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी गाइस बनाएंगे, तो क्योंकि करेले की बन गई है और ये थोड़ी सी बना लूँगी। और ये वाला मेरा ब्लॉग है 18 अप्रैल का, वीरवार का, तो उस दिन कपड़े वगैरह धुले नहीं थे क्योंकि कपड़ों का काम होता है, एक तो लाइट नहीं है तो प्रेस वगैरह होगा नहीं और फिर धुले भी नहीं थे, तो उनका चलो टाइम पास करने के लिए मैं इसे अच्छा अपना ना करने से अच्छा कुछ करना रहता है, तो वही फिर मैंने दोनों सब्जी अपना बना लेती हूँ उनकी फटाफट से, फिर रोटी बाद में सेक लूँगी। इतनी गर्मी तो लगती है बहुत ज़्यादा, नीचे गर्मी गर्मी में बहुत ही हालत ख़राब होती है किचन में, इतना जाने को मन ही नहीं करता है, लेकिन क्या करें। और एक लुटिया पानी मैं ऐड कर देती हूँ और अभी थोड़ा कम लग रहा है मुझे, थोड़ा सा और ऐड में कर दूँगी क्योंकि ये उबलते हैं ना अच्छे से तो ये पानी बेसन की सब्ज़ी सोख लेती है। तो ये दोनों सब्जी की जो रेसिपी है मेरी, बताइएगा ज़रूर आप लोगों को कैसी लगी। और मैंने तैयारी कर लेती हूँ, हरा धनिया डालूँगी करेले में, तो मैं हरे धनिया नहीं डाली हूँ और इस वाली सब्ज़ी में मैं हरा धनिया ज़रूर डालूँगी, तरी वाली सब्ज़ी है तो अच्छा लगता है। तो मैं ना सब्ज़ी जो धनिया रखती हूँ तो पिन्नी में बिल्कुल बांध करके फ्रिज में रखते हो तो ताज़ा ताज़ा हरा हरा रहता है, कई दिन हो गए तब भी एक हफ्ते में चला लेती हूँ। और मैंने धो के कट करके हरे धनिया ऐड कर दिया है सब्ज़ी में, तो हरे धनिए से एकदम अच्छा लुक आता है और बहुत ही पसंद करते हैं हमारे घर में हरे धनिए वाली सब्ज़ी, बिना हरे धनिए के अच्छा ही नहीं लगता सब्ज़ी। तो बस देख लीजिएगा जी, ये सब्ज़ी भी मेरी तैयार हो गई है और देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।